आज के इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हीरो का न्यूली लॉन्च 110 सीसी का स्कूटर हीरो जूम। तीन वेरिएंट एंड 5 कलर ऑप्शन के साथ में आपको स्कूटर मिल जाता है। LX, VX एंड ZX, ZX मॉडल आज अपने सामने खड़ा है जो कि इसका टॉप मॉडल है। टॉप मॉडल की आपको कुछ इस तरह की देखने को मिलती है जिसके ऊपर आपको हीरो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। टॉप एंड वेरिएंट में आपको डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये टॉप एंड वेरिएंट है जो आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में मिल जाता है। तो आज अपन रिव्यू करने वाले हैं ZX वेरिएंट का। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेता हूँ इस स्कूटर की फ्रंट प्रोफाइल से। तो ब्लैक कलर का वाइजर देखने को मिलता है, ड्यूअल टोन कलर के साथ आपको ये स्कूटर मिल जाता है। साइड में आपको हैलोजन टर्न सिग्नल देखने को मिलता है। इसके एप्रिन के ऊपर आपको हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है एंड ड्यूअल टोन कलर के साथ आपको स्कूटर देखने को मिलता है। रेड कलर आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। इसमें फ्रंट में आपको LED DRL लाइट देखने को मिलती है। एस शेप की कुछ इस तरह की LED प्रोजेक्टर हेडलाइट आपको इस स्कूटर के फ्रंट में देखने को मिल जाती है। जो आपको फेंडर देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको जूम के ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सॉक्स एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिल जाता है। 190mm की डिस्क आपको इस स्कूटर के फ्रंट में मिल जाती है। डायमंड कट का अलॉय व्हील एंड वाइब्री के कैलिवर एंड साइड में आपको रिफ्लेक्टर टॉप एंड वेरिएंट के अंदर देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों टॉप एंड वेरिएंट में आपको हीरो इंटेलिजेंट कॉर्नर लाइटिंग देखने को मिल जाती है। जैसे आप इस स्कूटर को साइड में टर्न करते हो, लेफ्ट राइट टर्न करते हो, तो जो लाइट देखने को मिलती है ऑन हो जाती है। तो रूरल एरिया के लिए तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन इस स्कूटर के अंदर देखने को मिल जाता है। i3S की टेक्नोलॉजी आपको इस स्कूटर के अंदर मिल जाता है। दोस्तों मेरी हाइट लगभग 5 फीट 7 इंच है, तो मैं यहाँ पर आराम से बैठ पा रहा हूँ। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको इसके डैशबोर्ड का मिल, बोतल रखने का ऑप्शन मिल जाता है। तो काफ़ी स्टोरेज आपको इस स्कूटर के फ्रंट में मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको चार्जिंग पॉइंट का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आप मोबाइल वगैरह भी चार्ज करके यहाँ पे माउंट कर सकते हो। टॉप एंड वेरिएंट के अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर्स मिल जाता है। तो एक बार मैं आपको इसकी की ऑन करके दिखाता हूँ। तो जैसे आप इस स्कूटर की को ऑन करते हो तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर मिल जाता है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। लो फील वार्निंग, डिजिटल क्लॉक, ट्रिप वन ट्रिप टू, स्पीड लिमिट, यहाँ पर आपको स्विचेस देखने को मिलते हैं। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाता है जिससे आप अपने मोबाइल के मैसेज वगैरह इस स्कूटर के स्क्रीन पर सीन कर सकते हो। तो काफ़ी सारे फीचर्स आपको इस स्कूटर के अंदर मिल जाते हैं। चेक इंजन लाइट, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ आपको इस स्कूटर के अंदर देखने को मिल जाता है। रियल टाइम माइलेज, ऑडोमीटर फीचर्स, i3S का बटन आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, जो माइलेज फ्यूल सेविंग के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन देखने को मिलता है। अब मैं एक बार आपको इस स्कूटर का एग्जांपल सुना देता हूँ। एक बार मैं आपको इसका बूट ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से साइड में आप इसके बूट को ओपन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का स्टोरेज आपको इस स्कूटर के अंदर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हेलमेट वगैरह इजीली माउंट कर सकते हैं। इसमें आपको 5.2 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है एंड इसमें आपको जो फ्यूल कैप देखने को मिलता है वो आपको डिग्गी के अंदर देखने को मिलता है। साइड में आपको 3D क्रोम में जूम की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। नीचे की तरफ आपको एसटेक की ब्रांडिंग मिल जाती है। रियर में आप यूनिट स्विंग आर्म विद स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक डैम्पर सस्पेंशन मिल जाता है। 180 12 इंच के टायर आपको इस बाइक के रियर प्रोफाइल के अंदर मिल जाता है। इसके इंजन की बात करूँ तो 110.9 सीसी का एयर कूल्ड इंजन आपको इस स्कूटर के अंदर मिल जाता है, जो 8.161 BHP की पावर जनरेट करता है, 8.70 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसकी रियर प्रोफाइल में आपको कुछ इस तरीके के ग्रेवरल देखने को मिलता है। रियर में आपको LED टेल लाइट का सेटअप मिलता है, ये जो हीरो को रिप्रेजेंट करता है। इसमें आपको फ्लेक्सिबल हैलोजन टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आपको रिफ्लेक्टर एंड यहाँ पे आप नंबर प्लेट वगैरह माउंट कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके की रियर प्रोफाइल आपको इस स्कूटर की देखने को मिलती है। इसकी सीट हाइट की बात करूँ तो इसमें आपको 770mm की सीट हाइट, 155mm का ग्राउंड क्लियरेंस एंड इसके कर्वेट की बात करूँ तो 109kg का कर्वेट आपको इस स्कूटर के अंदर मिल जाता है। हीरो जूम के अंदर आपको 5 कलर ऑप्शन देखने को मिलता है वेरिएंट के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको मैं कलर दिखा देता हूँ। ब्लैक कलर आपको कुछ इस तरीके की प्रोफाइल देखने को मिलती है, दूसरा आपको यहाँ पे व्हाइट कलर देखने को मिल जाता है, तीसरा आपको यहाँ पे ब्लू कलर देखने को मिल जाता है। तो वेरिएंट के हिसाब से आपको इस स्कूटर के अंदर कलर देखने को मिलता है। स्कूटर के टॉप स्पीड की बात करते हैं, 80 km/h की टॉप स्पीड आपको इस स्कूटर के अंदर मिल जाती है। ZX मॉडल टॉप एंड वेरिएंट की बात करूँ तो इसकी आपको जो एक्सोरूम प्राइस होने वाली है 79,899 के आपको स्कूटर एक्सोरूम प्राइस मिल जाते हैं जयपुर सिटी के अंदर। अगर आप जयपुर सिटी के रहने वाले स्कूटर को बाय करना चाहते हो तो आप RL मोटर्स पर विजिट कर सकते हो, इस स्कूटर को चेकआउट कर सकते हो। ये था इस स्कूटर का एक स्मॉल सा रिव्यू। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही बाइक रिलेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहें।